बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का उम्मीदवार बनाकर सबसे बड़ा सियासी दावा चला है। बीजेपी के इस कदम को झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की दुविधा बढ़ गई है। विपक्ष के साथ उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिन्हा को उतारने के लिए जेएमएम ने भी हस्ताक्षर किए थे, लेकिन एनडीए की ओर से आदिवासी उम्मीदवार को उतारे जाने के बाद शिंबू सोरेन की अगुवाई वाली पार्टी अपना स्टैंड बदल सकती है। आपको बताते चले कि यदि द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीतती हैं तो वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। झारखंड में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही जेएमएम के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी मुर्मू का समर्थन कर सकती है। मुर्मू का झारखंड में कार्यकाल पूरा करने वाली एकमात्र राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त है। वो 6 सालों तक झारखंड की राज्यपाल रही थी। बताया जाता है कि मुर्मू वैचारिक और व्यक्तिगत रूप से सोरेन परिवार से जुड़ी रही हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि खुद वो आदिवासियों की पार्टी के रूप में पेश करने वाली जेएमएम के लिए मुर्मू के खिलाफ जाना कठिन होगा। फिलहाल अगर ऐसा होता है तो जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन में दरार आ सकती है।